इट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स एज सेम एज प्रॉब्लम फोर जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसा ही है बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस दिया है हमें फोर्थ के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आपको दिया दैट कॉयल ए इज़ मेड टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सेस पहली बात ये जो हमारा ए है वो वर्टिकल एक्सेस के अराउंड मूव कर रहा है दूसरा उन्होंने हमें ये बोला है नो करेंट फ्लोज इन बी इफ ए इज़ एट रेस्ट अगर ए रेस्ट पे होगा तो कोई भी करेंट फ्लो नहीं होगा बी में ये इन्होंने बताया हुआ द करेंट इन एन द करेंट इन इज काउंटर क्लॉक मतलब वो बोल रहे हैं एक इंस्टेंट है, t is equal to zero, जब हमारा बी में कैसा करंट फ्लो कर रहा है मतलब एंटी क्लॉक वाइज एंड शोन एट दिस इंस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो हमें है कि करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा ए में उसकी डायरेक्शन क्या होगी तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए लेंस लॉ पता होना चाहिए लेंस लॉ क्या बोलता है इट बेसिकली सीज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसड डी एम एफ इस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट जिसने उसको बनाया उसके ऑपोजिट होना चाहिए अब यहाँ पे बेसिकली किसकी बात होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और दूसरी चीज जब इन्होंने हमें ये बोला है कि करंट बी में काउंटर क्लॉकवाइज है तो हमारा जो ऑपोजिट जगह पे है वो कैसा होना चाहिए उसका ऑपोजिट विच इज़ क्लाक डायरेक्शन तो क्लॉक डायरेक्शन होगा सबसे पहले तो बट हमें ये जानना है कि वेरिंग कर वेरिंग होगा या कांस्टेंट होगा सो इट मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन किया कि नो करंट फ्लोज इन बी इफ ए इज़ एट रेस्ट मतलब ज़ीरो ज़ीरो हो गया तो अगर बी में कुछ करंट आया है तो वो किसके इक्वल होगा ए वाले के सो आई ए विल बी इक्वल टू आई बी कॉन्सटेंट तो होगा हमारा जो करेंट होगा इन ए इट विल बी कॉन्स्टेंट इट कॉन्ट वेरी अगर वो वेरी करेगा तो बी वाला भी वेरी करेगा सो ये प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इट मस्ट बी क्लॉक वाइज एंड इट मस्ट बी कॉन्सटेंट सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स